अच्छा, अब अपने मेन काम की तरफ मूव करते हैं कि हमने सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं, सीएस में चलते हैं, और इन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्वर साइड से क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट ऐड करने का तीन तरीके हैं। जिस तरह हमने सर्वर साइड से क्लाइंट साइड में सीएसएस को ऐड किया था, इसी तरह हम सर्वर साइड से क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। यानी कि सर्वर साइड से क्लाइंट साइड के जो टैग्स हैं उन्हें जावास्क्रिप्ट असाइन करेंगे। पहला मेथड है ये, इसे करते हैं कॉपी। अच्छा, इसको लिखने के बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है? इसमें आते हैं चार पैरामीटर्स। दिस डॉट गेट टाइप पहला हो गया। सेकंड है हमारे पास दिस डॉट गेट टाइप, तो आ गया। एक स्ट्रिंग दूंगी मैं से, रैंडम कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। थर्ड पैरामीटर में मैं अपना जो मुझे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाना है मैं वो लिखूंगी। चौथे में मैं ट्रू लिखूंगी। इन चारों पैरामीटर्स को मैं समझाती हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि पेज, यानी ये जो पेज है इसके अंदर जो क्लाइंट ने स्क्रिप्ट लिखा है, जो क्लाइंट के लिए स्क्रिप्ट लिखा गया है, सॉरी, और वो स्क्रिप्ट ये है जो कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्लोज है, और वो स्क्रिप्ट ये भी है, यानी ये हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट डाली हुई है और ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। यानी एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मतलब आप लोगों को पता है ना कि हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल का लिंक दे दिया यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, तो उसने कहा ये जो स्क्रिप्ट है, क्लाइंट स्क्रिप्ट है, डॉट रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक, कि हम यहाँ से जो है ना जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, जो जावास्क्रिप्ट इसके अंदर डिफाइन है, उस जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ से इन पर अप्लाई करें, ठीक है? इन पर यानी पूरे पेज पर भी कह सकते हैं हम, ठीक है? अब मैं क्या लिखा है, मैंने लिखा है इसका पहला मीडियट है दिस डॉट गेट टाइप, यानी मुझे जिसने कॉल किया है उसकी टाइप क्या है, ठीक है? इसको किसने कॉल किया, बटन ने कॉल किया है तो उसकी टाइप आ जाएगी। इसमें एक रैंडम कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, इसको नाम देना, हमने खुद से कोई भी नेम दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, हम बस इसको एक नेम दे रहे हैं। फिर यहाँ पे वो स्क्रिप्ट लिखना है जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। अब ये F1 फंक्शन किसके अंदर डिफाइन है, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर डिफाइन है, इसीलिए मैंने कहा कि वो क्या करेगा कि पेज के अंदर जो क्लाइंट स्क्रिप्ट है, उस क्लाइंट स्क्रिप्ट के अंदर जो जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, उस जावा स्क्रिप्ट को इन टैग्स के ऊपर या इस पेज के ऊपर अप्लाई करना, ठीक है? अब क्या होता है कि क्या ये एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती, ये देखते हैं। गूगल क्रोम पे जाते हैं, यहाँ से मैं ऑन क्लिक को, अब ये क्या होगा, सबसे पहले ये वाला फंक्शन चलेगा जो है क्लाइंट साइड का, F1 को कॉल करेगा और F1 चल पड़ेगा। फिर ये डेटा को, ये जो बटन है, डेटा को पोस्ट कर देगा सर्वर पे। जब डेटा सर्वर पे जाएगा तो सारे इवेंट्स चलेंगे। जब इस इवेंट पे आएगा तो क्या करेगा, वो कहेगा इस फंक्शन को चला दो, जो क्लाइंट पेज के अंदर क्लाइंट स्क्रिप्ट है ना, क्लाइंट उसमें ये एक फंक्शन पड़ा हुआ है F1, उसको चला दो, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उस फंक्शन को चला देगा। और ट्रू का क्या मतलब है वो मैं आगे बताती हूँ, पहले हम एक दफ़ा इसको रन कर लें। तो इसको रन करते हैं,
एक इसको लोड होने में बहुत टाइम लगता है। हो गया लोड। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो पहले क्लाइंट साइड वाला इवेंट चलेगा। सॉरी मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। सबमिट पे क्लिक किया, ये क्लाइंट साइड वाला इवेंट चला। अब जब क्लाइंट, अब एक बात आपको याद होगी कि सर्वर साइड पे भी मैंने F1 को ही कॉल किया है, और F1 मैंने F1 को ही कॉल किया तो इसी तरह दोबारा अलर्ट आएगा। जब मैंने ओके पे क्लिक किया तो आपने ये जो हमारा रिफ्रेशर है ना, इस पे गौर करना है। ओके पे क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ, फिर मैंने ओके पे क्लिक किया और आउटपुट आ गई। ये हुआ क्या है यहाँ पे? मैंने लिखा था यहाँ पे कि जब भी बटन पे क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले तुमने एक क्लाइंट साइड का फंक्शन चलाना है, जो कि चला अलर्ट अस्सलाम वालेकुम। फिर क्या किया, जब क्लाइंट साइड का फंक्शन चला तो इसने डेटा को पोस्ट किया, जब पोस्ट किया तो पेज रिफ्रेश हुआ। पेज क्या हुआ? रिफ्रेश हुआ। जब पेज रिफ्रेश हुआ, इसका मतलब है इसने डेटा को सर्वर पे भेजा है और अब सर्वर से डेटा वापस आ रहा है। जब सर्वर से डेटा वापस आ रहा होता है तो सर्वर साइड पे जितने इवेंट्स होते हैं वो सारे चलते हैं। जब वो सारे इवेंट्स चलते हैं तो जो यूज़र ने डिफाइन इवेंट किया है अब वो भी चलेगा। ओके पे ये, अब ये जो है ना, ये इस सर्वर साइड से इवेंट चला है। ओके पे क्लिक किया तो मेरे पास आउटपुट आ गई। तो होप सो आपको इसमें पोस्ट की भी समझ आ गई होगी कि पोस्ट क्या होता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। इस पर क्लिक किया, पहले क्लाइंट साइड का इवेंट चला, अब सर्वर साइड से जो इवेंट चला तो ये हो गया बैक। पहले जब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो डेटा को पोस्ट करता है, ठीक है, और इसके बाद हमारी जब आउटपुट आती है तो ये बैक होके आती है, ये बैक एंड से होके आती है। तो इसे हम कहते हैं, इस पूरे मेथड को हम कहते हैं पोस्ट बैक। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बीच में समझा दिया पोस्ट बैक का। ठीक है, पोस्ट बैक क्या होता है? यहाँ से हम डेटा को जब क्लिक करते हैं तो ये डेटा को क्या कर देता है, पोस्ट बटन जो होता है ना, ये हमेशा डेटा को पोस्ट कर देता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, ये डेटा को बैकएंड पे पोस्ट करेगा। बैकएंड पे जितनी प्रोग्रामिंग हुई है वो होगी, उसके बाद डेटा वापस जो है ना हमारे, हमें आउटपुट मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं पोस्ट बैक। ये हमने पोस्ट किया और अब ये हो गया बैक। ठीक है, इसे कहते हैं पोस्ट बैक। अच्छा, मैं इसको काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ, लेकिन तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगेन कर रही हूँ, सॉरी टू से, बट मुझे है कि क्लियर हो जाए। पोस्ट, इस ओके पे जब मैं क्लिक करूँगी तो वो पोस्ट हो जाएगा, और साथ ही जब ये रिफ्रेश होगा ना यहाँ पे आइकन, तो इसका मतलब है ये बैक आ रहा है, डेटा वापस आ रहा है। बैक, दैट इज बैक, पोस्ट बैक। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी है जो पेपर्स में आ जाती है, इसलिए मैंने इसे इतना क्लियरली बताया है। ठीक है, तो ये एक तरीका था कि हम लोग क्या करें, हम जो सर्वर साइड से क्लाइंट साइड का जो स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करें। क्लाइंट स्क्रिप्ट यानी जो क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं उसे हम यहाँ से कॉल करें और उसको एग्जीक्यूट करें। अब एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी कि जो मैंने फंक्शन बनाया था फॉर्म के अंदर, जो फॉर्म है, हमारा फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। इस फॉर्म के अंदर इसने एक स्क्रिप्ट का टैग डाला है, और उस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इसने F1 को कॉल किया है। उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसने F1 को कॉल किया है और इसको बिल्कुल फॉर्म टैग के नीचे लगाया है। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे ट्रू लगाते हैं ना, ट्रू, इसका मतलब होता है कि तुम ना इसे, ये जो मैंने फंक्शन F1 दिया है,
इसे स्क्रिप्ट के टैग में क्लोज करो और फॉर्म के नीचे पुट करवा दो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ से हम F1 को कॉल कर रहे हैं, जब हम यहाँ स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम F1 को लिख रहे हैं। अब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होगा तभी तो ये चलेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड है। अब यहाँ से ही इसने क्या किया, जब मैंने ट्रू लिखा यहाँ पे, तो इसने क्या किया, फॉर्म में गया, ठीक है? फॉर्म में जाके एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया फॉर्म के बिल्कुल नीचे, उसके अंदर इस फंक्शन को लिखा कि जी मुझे ये फंक्शन चाहिए, कॉल किया। अब क्या हुआ कि इस हेड के अंदर जो मैंने अपना स्क्रिप्ट का टैग बनाया है उसमें ये फंक्शन, ये जो ये है, ये इसे कॉल करेगा और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो ये थी सारी कहानी ट्रू मैंने क्यों लिखा। ट्रू लिखने का फ़ायदा ये है कि ये इस F1 फंक्शन को फॉर्म के बिल्कुल नीचे, ठीक है, यहाँ पर अपनी तरफ से एक स्क्रिप्ट का टैग बना देगा और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर F1 को लिख देगा, ठीक है? और फिर F1 इस तरह कॉल हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अच्छा, इसको मैं वैसे भी करके दिखा सकती हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँ, आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये वीडियो डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। एक बात आप लोगों को याद होगी कि जब हम लोग CSS को अप्लाई कर रहे थे सर्वर साइड से, तो जब मैं यहाँ इंस्पेक्ट करती थी तो वो एट्रीब्यूट्स जो होते थे ना, जो भी एट्रीब्यूट्स होते थे उनके अंदर वो क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, इस तरह उस एट्रीब्यूट को जो मैं सर्वर साइड से डाल रही थी उसको टैग्स के अंदर डाल देता था रन टाइम के ऊपर। ये रन टाइम का कोड है जो एक्चुअली में जो कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये किसी टैग के अंदर नहीं डाल रहा जावास्क्रिप्ट को, ये सिंपल फॉर्म में जा रहा है, फॉर्म के नीचे एक स्क्रिप्ट का टैग बना रहा है और उसके अंदर F1 को कॉल कर रहा है। ये किसी टैग के अंदर नहीं डाल रहा, कि किसी टैग के अंदर से इसको नहीं ट्रिगर कर रहा, किसी टैग के अंदर से इसको कॉल नहीं कर रहा, अलग से एक स्क्रिप्ट का टैग बना रहा है और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इसको कॉल कर रहा है। इसको मैं ना आपको यहाँ से भी करके दिखाती हूँ, उतनी देर ना इसको, अगर मैं यहाँ एक स्क्रिप्ट का टैग बनाऊँ, अब पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि इसने इस तरह इसको कॉल किया है। इस तरह ये कॉल हुआ है, इसको दोबारा रन करते हैं। अभी आउटपुट का मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये ओके पे क्लिक किया और ये आ गया। यानी ये देखें, इस दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि आउटपुट आने से पहले, मेरे सबमिट पे क्लिक करने से पहले ही वो अलर्ट का टैग आ गया। वो क्यों आया कि जब वो एक एक करके इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा था तो उसने देखा कि फॉर्म के नीचे तो उसने स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है, तो उसने स्क्रिप्ट के टैग को चलाया, क्योंकि वो एक एक करके लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, उसने स्क्रिप्ट के टैग को चलाया और फिर वो नीचे गया। और फिर इसीलिए इस दफा जब पेज लोड हो रहा था तब भी मेरे पास वो आ गया। अब ये दोबारा आएगा, देखिए एक एक करके वो इस फाइल के, एक एक करके ना इस फाइल की हर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है? और जब वो एग्जीक्यूट हो रही थी तो जब वो इस स्क्रिप्ट पे आया तो उसने देखा तो यहाँ पर तो F1 को कॉल हो रहा है, तो उसने F1 को चला दिया। इसी में ओके पे क्लिक करूँगी तो मेरा पेज आएगा। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको नहीं समझ आया, आप मेरी वीडियो को दोबारा पीछे से देखें, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये जो काम मैंने किया ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि आपको जो इंस्पेक्ट कोड है ना वो समझ में आ जाए। कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल आता है, आ सकता है कि जब वो मैंने कहा कि जब एक एक करके इस फाइल की लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब वो इस लाइन पे आएगा, यहाँ मैंने स्क्रिप्ट पहले बनाया हुआ था तो वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो देखिए, CSS तब अप्लाई होती है जब हमारे कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है जो थोड़े न्यू होंगे, कि
कि भाई ये तो सीएसएस सारी चीज ने से पहले ही क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए सीएसएस टैग्स के ऊपर लग रही है, जब टैग्स आएंगे तो उनके ऊपर सीएसएस फौरन लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह उसने हेड को क्लोज किया, बॉडी पे आया, फॉर्म पे आया, उसने एक फॉर्म बनाया, लेकिन जब भी जैसे ही वो इस पे आया स्क्रिप्ट के टैग पे, तो उसे तो नजर आया कि जी यहाँ तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ कहीं पे भी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, कोई कॉलिंग वगैरह नहीं हो रही, जहाँ पे कॉलिंग आई उसने उसे कॉल कर दिया। और यहाँ पे हमने लिखा था कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे बटन पे तब ये फंक्शन फंक्शन चलेगा। तो ये बात मैंने उन लोगों के लिए बताई है जो थोड़े न्यू हैं और उन्हें ये कन्फ्यूजन हो सकती है मेरी इस बात से रिलेटेड। बहरहाल ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सेम यही है, एक फर्क है बस उसके अंदर। सेम यही कॉन्सेप्ट है, एक डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने इसको कॉपी तो किया, Ctrl+V। ओ सो ये हो गया होगा, यहाँ से दो पड़ी है, ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है, page.client script रजिस्टर्ड स्टार्टअप स्क्रिप्ट, इसका मतलब ये होता है सेम वही काम है सेम। इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि ना मैंने इसे कहा है कि ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन, अब ये जो तुम F1 फंक्शन बनाओगे ना, इसे तुमने रन टाइम पर फॉर्म के नीचे नहीं रखना, इसे तुमने फॉर्म के एंड पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इससे हमारी आउटपुट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको रन करके दिखाती हूँ। लोडिंग हो रहा है पेज, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो ये डेटा को क्या करेगा, पोस्ट कहाँ, बैकएंड पे। पहले मेरा ये वाला चला क्लाइंट साइड वाला, फिर डेटा पोस्ट हुआ और पोस्ट होके बैक आया। अब ये इसका मतलब है बैक वापस आया है, नैनो सेकंड्स में वापस आ गया है। ओके पे क्लिक किया, ये देखिए तो वो सर्वर साइड वाला इवेंट चला था जो दूसरी दफा चला था। इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ कि जो मैंने बात कही क्या वो सच है। अब आप ये देखें इसने क्या किया है, यहाँ फॉर्म के एंड पे ये F1 लगा दिया है, बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं किया उसने। और F1 को हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होगा तो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ तो हम उसको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखते हैं, यहाँ हम उन्हें डायरेक्टली इस तरह टैग्स के अंदर कॉल करते हैं। ठीक है, अगर मैं हाली इस तरह F1 लिख दूँ यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये वजह है इसको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर रखने की, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, हम उसको स्क्रिप्ट के टैग के अंदर रखेंगे या इस तरह हम किसी टैग के अंदर उसको कॉल करेंगे। अगर हम हाली इस तरह लिख देंगे तो नहीं चलेगा। और ये जो हम सर्वर साइड से क्लाइंट साइड के जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये है इसका सारा तरीका। ठीक है, होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जो थर्ड है ना, थर्ड यूजिंग page.client script.register client script इंक्लूड, इसमें पहले टाइप लिखते हैं की में हम अपनी कोई भी डिफाइन, अपना कोई भी जो है ना वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने ABC नेम दिया, कोई भी नेम दे सकते हो। और यहाँ हम URL करेंगे, ये रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट इंक्लूड, कि आप जो है ना जो स्क्रिप्ट में हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, तुम्हारा स्क्रिप्ट है,
उस स्क्रिप्ट को यहाँ उसका यूआरएल डाल सकते हैं, लाइक दिस, कि अगर मैंने अपने कोड को, मेरा एक्सटर्नल कोड है ये, कि एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड की हुई है ना मैंने, तो आप इसमें जिस तरह मैंने पाथ दिया हुआ है कि जेएस के अंदर कस्टम डॉट जेएस, तो इसी तरह हम यहाँ पे पाथ दे सकते हैं कि तुम इस ये जो फाइल है ना जेएस के अंदर कस्टम डॉट जेएस, इसके अंदर इस वाले फंक्शन को तुम एग्जीक्यूट करवा दो, या हम यहाँ पे पूरा स्क्रिप्ट का टैग लिख के भी बीच में, जिस तरह ये स्क्रिप्ट का टैग है ये, इस तरह भी हम इसके अंदर कोड को डाल सकते हैं, लेकिन इसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर मैं नेक्स्ट उसको अपलोड ना कर पाई तो। अभी तक यहीं तक था, होप सो आप लोगों को समझ आई हुई होगी, अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मेरी वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने तो कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये जो लास्ट में मैंने इसके बारे में बताया ना, इसको भूल जाएं, उसको ना सुने, जो यहाँ तक बताया उसको सुने, उसको समझें, कोई इशू हो मुझे कमेंट में बताएं, मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।